दही, लस्सी, चावल, पनीर, आटा, सब महंगा महंगा। सवाल ये कि कितना महंगा, किस पर कितनी महंगाई की मार। ये आप जानते ही हैं कि 18 जुलाई में जीएसटी की नई दरों ने दही, लस्सी, चावल, पनीर, आटा सब महंगा कर दिया, मगर कितना। आइए ध्यान से देखिए जीएसटी की बढ़ती दरों से पड़ने वाली कमर तोड़ महंगाई का आप पर वार का असर कैसा है। उदाहरण के तौर पर, अब आप 5-5 किलो के पैकेट को मिलाकर वजन को 25 किलो से ज्यादा किया जाता है तो इस स्थिति में 5% की दर से जीएसटी देना होगा। वहीं जीएसटी पर छूट तभी मिलेगी जब सिंगल पैकेट का वजन 25 किलो से ज्यादा होगा। नहीं समझे तो आपको और गहराई में समझाते हैं कि कीमतों का आप पर कैसा असर पड़ेगा। अगर आप 10 किलो के आटे का पैकेट बाजार से खरीदते हैं तो आपको तय कीमत पर 5% जीएसटी जोड़कर भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 10 किलो आटे की कीमत बाजार में 345 रुपए है तो आपको इस कीमत पर 5% जीएसटी देना होगा। ऐसे में 10 किलो आटे की कीमत में 17.25 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी और आपको इसके लिए 362 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। ऐसी जीएसटी के नए दाम पर आपकी जरूरत की चीजों पर असर डालेंगे, जैसे कि ये चीजें होंगी महंगी, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस नक्शे और चार्ट पर 12%, प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग टैक्स की दरें बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं। सौर वाटर हीटर अब 12% जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5% लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो पर अब 18% जीएसटी लगेगा जब तक 12% लगा करता था। वैसे ऐसा नहीं है कि सरकार ने पिछली बार जीएसटी कलेक्शन में कमाई का रिकॉर्ड ना बनाया हो। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन से आपसे कितनी कमाई की, यानी कि सरकार की तिजोरी में कितना पैसा इकट्ठा हुआ था। सरकारी आंकड़ों को देखिए और समझिए तो जून महीने में ही जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56% से बढ़ा और ये कलेक्शन पहुंचा 1.44 लाख करोड़ रुपए। ये लगातार पांचवा ऐसा महीना रहा जब सरकार को जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व हासिल हुआ। मई में सरकार को जीएसटी से 1.40 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। यानी साफ है कि टैक्स का वार आम जनता की जेब पर सीधे पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाले इंडिया।